जानेंगे हम हक से जानेंगे आरटीआई जब से लागू हुआ है ही आरटीआई का नारा नमस्कार जानने का हक में आप सभी का स्वागत है मैं हूं संतोष चौधरी जानने का हक देश का इकलौता ऐसा टेलीविजन कार्यक्रम जो है आपके लिए आपके हक के लिए और आपके अधिकारों के लिए जानने का हक इस कार्यक्रम में हम सूचना का अधिकार कानून से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं पारदर्शिता की बात करते हैं 12 अक्टूबर 2005 को जब सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ और जैसे जैसे इस कानून ने लोगों के बीच अपनी पकड़ बनानी शुरू की वैसे वैसे लोगों ने यह कहना शुरू किया कि आज़ादी के बाद ये पहला सबसे मजबूत कानून बना जिसका फायदा लोग सीधे तौर पर उठा रहे हैं और सूचना लोगों को मिलती रहे इसके लिए एक आयोग का गठन भी किया गया लेकिन पिछले दिनों केंद्रीय सूचना आयोग ने अपील के लिए फोटो पहचान पत्र की शुरुआत की जबकि आरटीआई कानून में साफ लिखा है कि आवेदक से किसी भी प्रकार का पहचान पत्र नहीं मांगा जा सकता आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे हमारे साथ स्टूडियो में तीन खास मेहमान हैं आइए हम उनका परिचय करवा दें हमारे साथ एमएम अंसारी साहब हैं जो पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं और आरटीआई को बड़ी बारीकी से उन्होंने समझा है हमारे जो दूसरे मेहमान हैं आर के जैन साहब हैं आरटीआई विशेषज्ञ हैं कानून के मामले में जानकार है और इन्होंने लगभग 7000 से ज़्यादा आरटीआई का इन्होंने प्रयोग किया है और हमारे तीसरे जो मेहमान हैं लोकेश बत्रा जी हैं ये कमोडोर लोकेश बत्रा जी हैं आरटीआई कार्यकर्ता है और अलग अलग मुद्दों पर इन्होंने जनहित के मुद्दों पर आरटीआई लगाते रहते हैं आप तीनों मेहमान का स्वागत है हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें इससे पहले हम अपने संवाददाता आकिब खान की एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर केंद्रीय सूचना आयोग की मंशा क्या है कि अगर अपील के लिए फोटो पहचान पत्र की आखिर जरूरत क्यों पड़ी पेश है ये रिपोर्ट केंद्रीय सूचना आयोग आरटीआई की अपील पर मांग रहा है फोटो पहचान पत्र जी हाँ अगर आप किसी सरकारी विभाग की लापरवाही के खिलाफ आरटीआई के तहत जानकारी इकट्ठा कर शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं तो आपको अपनी पहचान साबित करने के लिए एक फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड देना होगा आरटीआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि सीआईसी का ये फैसला आरटीआई एक्ट के नियम का उल्लंघन है देखिए पंजाब हरियाणा कोर्ट की जजमेंट 2012 में आई थी उन्होंने ये कहा था कि भाई गाइडलाइंस दी थी कोई लॉ नहीं उन्होंने बनाया था कि भाई ऐसे आप इन्फॉर्मेशन सीकर से आईडी मांगे अब हमें ये हैरानी की बात है कि आफ्टर 3-3.5 साल के बाद ये सडनली कैसे सीआईसी को मतलब वो जागे कि भाई उनको पता लगा कि भाई ये भी कोई जजमेंट आई थी तो हम ऐसे करें और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये तो सिर्फ फ्रस्ट्रेट करने वाली बात है आरटीआई सीकर्स को कि भाई वो हताहत हो गए वो डालना ही छोड़ दें क्योंकि इस टाइम पर जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है 34,500 अपील सीआईसी के अंदर पेंडिंग है केंद्रीय सूचना आयोग ने यह फैसला 2012 में हरियाणा हाई कोर्ट के व्यापारी एवं फल संगठन के एक मामले को आधार बनाकर दिया है फैसले में कोर्ट ने कहा है कि अपील के लिए आवेदकों को पहचान पत्र देना होगा हैरानी की बात है कि आयोग के फैसले के बाद केंद्रीय सूचना आयोग अपील में गए आवेदकों के आवेदन वापस कर रहा है अब आप देखिए अब मेरी 12 अपील इन्होंने वापस भेज दी सिर्फ इस ग्राउंड पे कि भाई आपने आईडी नहीं दी भाई मैं तो कम से सीआईसी में कम से कम 500 अपील डाल चुका हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी इसी महीने में कॉन्फ्रेंस बुलाई पूरे सीआईसी की और उसमें उन्होंने कितना अच्छा बोला कि भाई आप इसको सुओ मोटो इन्फॉर्मेशन दो लोगों को इससे पहले 2014 में कलकत्ता हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले में कोर्ट ने साफ कहा कि आरटीआई कानून की धारा 6(2) के तहत सिर्फ आवेदक के संपर्क का पता ही पूछा जाएगा कोर्ट के इस फैसले को डीओपीजी ने देश भर के आयोगों में भेजा था ये तो सिर्फ हताश करने वाली बात है इन्फॉर्मेशन अब आप देखिए एक कोई सज्जन है कोई लेडी है वो अपना बोनाफाइडली एक इन्फॉर्मेशन मांग रही है वो उसकी सारी उम्मीदें सीआईसी पे हैं कि जी मुझे फर्स्ट अपील पे भी न्याय मिला इन्फॉर्मेशन आज तक नहीं मिली अब वो आज सेकंड अपील डालती है तो सीआईसी वापस भेज देता है कि जी नहीं आप अपनी आईडी दो फिर वो इसका मतलब 6 महीने फिर वो पीछे चले गए 35,000 केस पेंडिंग है जब तक वो भरेगी तो वो 36-37,000 केस हो जाएंगे अब कहने का मतलब ये बड़ी हैरानी वाली बात है और एटलीस्ट इनको नोटिफाई करना चाहिए अखबार में या पब्लिक भी ऐसे हम अमेंडमेंट करने जा रहे हैं और फिर सेकंडली ये तो हैरानी की बात है कि 3.5 साल के बाद इनको कहां से ख्याल आया 31 धाराओं में सिमटा आरटीआई कानून इन 10 सालों में लगातार पारदर्शिता की तरफ कदम बढ़ा रहा है बस जरूरत है कि इस कानून को संरक्षण प्रदान करने वाले सूचना आयोगों की कि इस कानून को कमजोर करने का कदम न उठाएं केंद्रीय सूचना आयोग का ये फैसला कि आरटीआई आवेदक को
अपील में जाने पर अपना पहचान पत्र देना होगा, फोटो आईडी देनी होगी। ये वाकई ये जो फैसला है ये काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि ये ऑर्डर है कलकत्ता हाई कोर्ट का जो कि 2014 में आया है, और इस पे बाबत जो है DOPT ने सर्कुलर जारी किया है कि RTI आवेदक को पहचान पत्र देने की ज़रूरत नहीं है, जो कि सेक्शन 2 का हवाला देते हुए कहा गया है। इससे RTI आवेदक की जो निजता है उसका हनन होता है। आखिर केंद्रीय सूचना आयोग ने यह फैसला क्यों दिया है और इसके पीछे उसकी मंशा क्या है, ये सोचने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। देश भर के RTI कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं RTI कानून की जो इस पर जो मंशा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं धक्का लगता है। नई दिल्ली से कैमरामैन आलोक के साथ मोहम्मद आकिब खान, DD न्यूज़। अंसारी साहब, आपने रिपोर्ट देखी, सबसे पहला सवाल आपसे, आप केंद्रीय सूचना आयोग में रह चुके हैं और RTI को बड़ी बारीकी से आपने देखा है, आखिर आयोग की मंशा क्या है? अगर अपील के लिए किसी व्यक्ति को फोटो पहचान पत्र देना पड़ता है तो आयोग क्या मंशा है उसकी, क्या नज़र आ रहा है? देखिए, जब भी कोई केस CIC में रजिस्टर होती है तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके तहत एप्लीकेशंस की जांच होती रही है, और ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले से होता रहा है, जिसमें देखा जाता है कि RTI एप्लीकेशन है या नहीं है, उसके साथ CPIO का एपलेट अथॉरिटी के रिस्पॉन्सेज क्या हैं और क्या ग्राउंड्स हैं जिसकी बेसिस पे ये अपील फाइल की जा रही है। ये एक रिसेंट जो डेवलपमेंट हुआ है कि उस तरह की जो इन्फॉर्मेशन ली जाती रही है उसमें एक फ़ोटो आईडी की भी एक रिक्वायरमेंट डाल दी गई है, और मैं समझता हूँ कि ये लीगल रिक्वायरमेंट तो नहीं है, ये सही बात है जो पहले इंसिस्ट नहीं किया गया। लेकिन अभी पिछले दिनों देखा ये जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस आती रही हैं जो जिसको कह सकते हैं वो प्रॉक्सी एप्लीकेशंस हैं, यानी जेन्युइन जो एप्लीकेंट्स हैं वो भी एप्लीकेशन डालते हैं और जो प्रॉक्सी एप्लीकेशंस आती हैं, तो उसकी वजह से एक बल्जिंग ऑफ कंप्लेंट्स एंड अपील्स हो रही हैं, जिसकी वजह से CIC को में उन केसेस की हियरिंग को लगाने में और डिस्पोज ऑफ करने में काफ़ी दुश्वारियाँ होती रही हैं। तो ये 17-18 जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें एक फ़ोटो आईडी है, और मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक फ़ोटो आईडी के बिना पे हो हल्ला मचाना जो है बहुत मुनासिब नहीं है। ये देखिए, मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि CIC ने कभी भी, मैं डिफेंड नहीं करना चाहता CIC को, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लीगल रिक्वायरमेंट बेशक ये नहीं है, लेकिन ये जब आप किसी पब्लिक सर्वेंट को एक्सपोज करना चाहते हैं, किसी पब्लिक अथॉरिटी को एक्सपोज करना चाहते हैं, कभी कभी आप प्राइम मिनिस्टर को भी एक्सपोज करना चाहते हैं कि वो कहाँ गए, क्यों गए और उसके आउटकम्स क्या रहे, तो जो सूचना लेना चाहते हैं उनको अपने सामने आने में क्या दिक्कत है। अच्छा, इससे एक बहुत बड़ा नुकसान ये हो रहा था अब तक कि जो जेन्युइन एप्लीकेंट्स हैं वो उनकी एप्लीकेशंस को सुनवाई करने में काफ़ी बहुत देरी होती थी, और जो प्रॉक्सीज हैं जो किसी और के लिए यूज़ करते हैं, या बहुत ऐसे लोग हैं जो BPL कार्ड लगा देते हैं इसलिए ताकि उनको कोई खर्चे वगैरह नहीं देने होंगे, और उसकी वजह से और वो हमने देखा ये कि BPL कैटेगरी के जो लोग इन्फॉर्मेशन मांगते हैं वो ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसका वो कभी उन सूचनाओं से कोई संबंध नहीं है, तो कोई और उसको यूज करता है। RTI कानून की धारा 6(2) में बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा है कि RTI आवेदक से सिर्फ उसका पता पूछना है, सिर्फ पते की जानकारी लेनी कि उसको सूचना कहाँ मुहैया कराई जाए, तो ये पहचान पत्र को अचानक लागू कर देना और कोई नोटिफिकेशन भी जारी न करना ताकि आवेदक को पता चल जाए कि हाँ, CIC ने एक पहल की है कि अब वो फोटो पहचान पत्र ले रहा है। आपकी एक शिकायत जेन्युइन हो सकती है, लेकिन उन्होंने एक जो फॉर्मेट डेवलप किया है उसमें एक ये लास्ट में ये भी एक इंक्लूड किया है कि फ़ोटो आईडी दें, इसलिए कि पिछले दिनों कुछ कोर्ट्स वगैरह के डिसीजन भी आ गए हैं जिसका आपको अच्छी तरह से इल्म है। तो मेरा ये अपना मानना है कि CIC रिजेक्ट नहीं कर रही है, उसकी कंप्लायंस मांग रही है ताकि उनकी सुनवाई में बहुत सारा समय ना लगे, और वो जब रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी तो आसानी से ये डिस्पोज ऑफ की जा सकती हैं। मैं समझता हूँ कि आखिर जो कोई एप्लीकेशन दाखिल कर रहा है उसमें अपने एड्रेसेस देते हैं, फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह देते हैं, उनको अपनी आईडी जो है डिस्क्लोज करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि आईडीज़ का हम हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो बैंक अकाउंट से आपका ताल्लुक हो, चाहे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हो, या हम जब टिकट रिजर्वेशन कराते हैं वहाँ हमें आईडी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आखिर CIC से क्या डर है लोगों को अपनी आईडी डिस्क्लोज करने में, ये हमें समझ बात नहीं आ रही। बड़ा सवाल उठता है कि हम एक तरफ विजिल ब्यूरो एक्ट की बात
करते हैं, लोगों को गोपनीयता की बात करते हैं, उनको सुरक्षित रखने की बात करते हैं कि अगर कोई सूचना निकालता है तो उसको गोपनीय रखा जाए। हम दूसरी तरफ अगर हम फोटो पहचान पत्र मांगेंगे तो इससे तो विजल ब्लोअर एक्ट का भी उल्लंघन हो रहा है। नहीं देखिए, आप अपनी आईडी जो है वो किसी इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं और CIC जैसे इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सड़क पर कोई भी घूम रहा है वो आपसे आईडी मांग रहा हो आप उसको दे रहे हैं। एक CIC एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी मांग रहा है तो आपको अगर कोई जिन्हें में कोई अगर शिकायत है तो आप CIC से कहिए कि साहब अगर हम आपको आईडी देते हैं तो हमें ये परेशानी हो सकती है और इसलिए विदाउट आईडी कि उनकी सुनवाई हो। अगर इस तरह की एप्लीकेशन आती हैं और CIC फिर भी वो कहता है कि नहीं हम बिना आईडी के आपको नहीं सुनेंगे, तब मैं समझता हूं कि बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं। मैं समझता हूं कि आखिर हमें अपनी आईडी डिस्क्लोज करने में, जब हम कोई ऐसी सूचना हम मांग रहे हैं और हम किसी पब्लिक सर्वेंट को पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपोज कर रहे हैं तो हमें सामने आने में क्या दुश्वारी है, मुझे ये समझ बात नहीं आती। जैन साहब, 2012 का एक फैसला आया पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया, CIC ने 2015 में लागू किया और वो सिर्फ उसके उस पहलू को उसने उठाया जिसमें ये लिखा है कि फोटो पहचान पत्र की आवश्यकता है, अनिवार्यता कर दी गई। अब लोग जो अपील में पहुंचे हैं जिनकी वहाँ पहले से आवेदन है वो वापस किए जा रहे हैं, कहाँ तक आप सही देखते हैं इस बारे में? अगर हम सेंट्रल RTI रूल्स को देखें, Rule 8 में प्रोविजन है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें और डॉक्यूमेंट अपनी सेकंड अपील के साथ लगाने हैं। एक अपेंडिक्स में परफॉर्मा भी प्रस्क्राइब्ड है रूल्स के, और उस परफॉर्मा के हिसाब से क्या क्या चीज़ें हमें उसके साथ इनक्लोज करनी है वो दी हुई हैं। तो उसके अंदर ये फोटो आइडेंटिटी की बात नहीं है। इसमें सबसे बड़ा उद्देश्य देखना है, जैसा अंसारी साहब ने कहा कि भाई एक फोटो आइडेंटिटी देने में क्या परेशानी पड़ती है। ये परेशानी इसलिए पड़ रही है कि 2005 से 2015 तक इसकी आवश्यकता नहीं थी और अब एकदम ओवरनाइट आवश्यकता पैदा कर दी गई। अंसारी साहब ने एक और बात कही है और जो कि ऑफिशियल लाइन भी है कि बहुत सारे प्रॉक्सी अपीलांट आ जाते हैं और उनको रियल जो जेन्युइन है उनके ऊपर असर पड़ता है। इसमें मैं रूल 11 की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा जिसके अंदर कि हर RTI अपील की हियरिंग होना अनिवार्य है, तो अपीलांट को समक्ष CIC के पेश होना है। एक नकली बोगस प्रॉक्सी आदमी कैसे पेश हो सकता है फिजिकली, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है या पर्सनली होता है। मेरे नाम से RK जैन बन के कोई जाए और वहाँ पेश हो जाए वो पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रॉक्सी वाली बात तो बिल्कुल अपने आप में एक प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी नहीं है। हाँ, विदाउट हियरिंग जाती है इन्फॉर्मेशन। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आप किस तरह की कंडीशन लगा रहे हैं। सेकंड अपील स्टेज पर आप फोटो आइडेंटिटी मांगते हैं, RTI एप्लीकेशन फाइल करता हूँ, कोई आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है। फर्स्ट अपील करता हूँ तो आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, मेरे घर पर चिट्ठियाँ आ जा रही हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि जब आप शमशान में किसी को क्रीमेट करने के लिए ले जाते हैं, कहते हैं जी बर्थडे सर्टिफिकेट, इसका बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए, उसके बगैर आप क्रीमेट नहीं कर सकते। दिस इज एब्सोल्युटली ए बोगस कंडीशन बीइंग पुट बाय द CIC। ये समस्या 2 साल पुरानी है, तीन साल पुरानी है, क्योंकि कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही थी, पेनेंसी बढ़ रही थी। उसको घटाने के 2 ढंग हैं। हमें अपने बजट को चलाने के लिए 2 चीज़ होती हैं, या तो आमदनी बढ़ाएं या खर्चे घटाएं। उसी तरह से इन्होंने क्या किया कि इसके रजिस्ट्रेशन को रोका जाए किसी तरह से। 2013 में रजिस्ट्रेशन रोकी गई, 10,000 रजिस्ट्रेशन पेंडिंग हो गई। मैंने हाईकोर्ट में रिट पटिशन की जो अभी पेंडिंग है। उसके बाद एक राजीव माथुर नाम से चीफ कमिश्नर आए, उन्होंने 4 महीने लेके इन सबको रजिस्टर्ड कराया खुद बैठ बैठ के। तो ये समस्या रजिस्ट्री CIC की क्रिएट करती है अपनी पेनेंसी को घटा के दिखाने के लिए, ताकि उनकी एनुअल रिपोर्ट में कम दिखाई दें पेनेंसी को। पर 2012 का जो फैसला है उसमें 3-4 चीज़ों को, जिसके बारे में आपने कहा, ये फ्रूट एंड वेजिटेबल कमीशन का फैसला है के केस में है, उसमें 4-5 चीज़ें उन्होंने कही। एक तो कही कि CIC को या स्टेट कमीशन को रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग रखना चाहिए। ऑर्डर देते हैं अपील अलाउड का, आता है डिसमिस का, तो क्या हुआ था, एक मेमो ऑफ प्रोसीडिंग रखनी चाहिए। 5-6 डायरेक्शन दी गई और उन डायरेक्शन में से कोई भी डायरेक्शन इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हुई। और इसके अलावा मैं एक और ध्यान दिलाना चाहता हूँ, अभिषेक गोयंगा का एक फैसला आया कलकत्ता हाईकोर्ट का, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि आप पोस्ट बॉक्स नंबर से इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। जैन साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि RTI कानून की सबसे ज्यादा सफलता यह है कि बिल्कुल सरल कानून है, कोई भी आम आदमी एक सादा कागज उठाता है, जनसूचना अधिकारी लगता है, नीचे विषय लिखता है सूचना अधिकार कानून 2005 के तहत आवेदन, 2-3 सवाल, नीचे अपना पता, 10 रुपए पोस्ट ऑर्डर। फोटो पहचान पत्र अगर लागू कर दिया गया है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा? जो इसकी सरलता है वही इसकी सफलता है,
तो आपको नहीं लगता कि फोटो पहचान पत्र की अचानक रातों रात क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, इसकी दो समस्याएं हैं। एक फोटो आइडेंटिटी जो है किस स्टेज पर, आप सेकंड स्टेज पर कर रहे हैं, अपील एक कंटिन्यूएशन ऑफ ओरिजिनल प्रोसीडिंग होती है, इस स्टेज पर सेकंड स्टेज पर आप करते हैं वो जेन्युइन नहीं लगती देखने में। दूसरा, 10 साल तक कमीशन चलता रहा, 10 साल तक कितने केस आए जो कि प्रॉक्सी थे, उसका कोई डाटा नहीं है। और तीसरी चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ इसके अंदर, जो कि एक देखिए कुछ दिन पहले मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था कि आप रीजन देंगे तो इन्फॉर्मेशन देंगे, तो कोर्ट के फैसले इधर उधर आते रहते हैं, वापस ले लिया था वो फैसला। हाँ, ले लिया था, पर फोटो आइडेंटिटी की जो बात है ये एक बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है राइट के ऊपर। और आप देखिए जस्टिस कृष्णा अय्यर ने एक दफ़ा कहा था, लाइक ए टाइड टेक्स टाइम टू रीच द बीचेस, सेम वे द लॉ ऑल्सो टेक्स टाइम टू रीच द मासेस। आप ओवरनाइट कुछ कर लेते हैं अपने दफ्तर में बैठ के, आप 6 महीने 4 महीने का टाइम दीजिए, लोग तैयार होंगे बिल्कुल पहले लोगों को। और एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन जो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जिनकी अपीलें ऑलरेडी पड़ी हैं 40,000, उसके अंदर तो फोटो आइडेंटिटी नहीं लगी, बिल्कुल, तो ये कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन आज फाइल करता है। लोकेश बत्रा साहब, आपने आरटीआई को नजदीक से देखा और आप आरटीआई लगातार जनहित के मुद्दों पर लगाते भी रहते हैं, क्या नजरिया रखते हैं आप सीआईसी भी गए थे, मुख्य केंद्रीय सूचना आयोग से भी मुलाकात की, आपको क्या लगता है कि फोटो पहचान पत्र कितना जरूरत है, कितनी अनिवार्यता होनी चाहिए? आर्गुमेंट जो हमें दिया गया था, हमारी मीटिंगें हुई थी चीफ से, मेरी ऑलमोस्ट 4 मीटिंग हुई है पिछले 10 दिन में, कि इतनी ज़्यादा हो गई कि सिस्टम बैठ रहा है, दे यूज द वर्ड लाइक दैट, दैट मीन्स आप उसको कई कारणों से वापस दिया जा रहा है, खाली ये हाईकोर्ट की जजमेंट नहीं। दूसरा सवाल पारदर्शिता से आता है। आरटीआई जो कि एक हमारा मुख्य सूचना युक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, वो गार्जियन ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, वॉच डॉग ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। आप बिना लोगों को बताए नए नए तरीके से आप केसेस वापस भेजते जा रहे हो। सेक्शन 8 में जो मैंडेटरी नहीं है, 812 में, उसमें लिखा यू 912 यू मे, मुझे आज मैंने पूरी फाइल भी देख के आया, जब यह पास हुआ था तो सिविल सोसाइटी कह रही थी वापस नहीं जाएगा, आप एक लाइन की चिट्ठी लिखिए, आपका ये कागज़ या वो कागज़ नहीं है तो वापस आ जाए। अभी क्या हो रहा है, डाक का खर्चा अलग हो रहा है, बड़े बड़े कागज़ वापस भेजे जा रहे हैं। सो ये एक एफर्ट हो रही है दिखाने के लिए कि मेरी पेंडेंसी कम हो गई है 3 महीने में। लेकिन लोकेश बत्रा जी, आप ये बताइए कि पेंडेंसी कम करने के लिए या फिर अपील कम करने के लिए क्या अचानक कोई नया डॉक्यूमेंट्स जोड़ देना, प्रमाण पत्र या फिर फोटो पहचान पत्र लगा देना कितना जरूरी है? और जबकि लोगों को बताया भी नहीं गया, लोगों को जागरूक भी नहीं किया गया कि सीआईसी अब इस महीने से ये डॉक्यूमेंट्स लेगा। देखिए मैं यही तो बात करता हूँ, पारदर्शिता। अगर आपने कोई नया सिस्टम चालू भी करना है तो इतना सा समय दीजिए कि वो मैसेज आए। ये हम लोगों को एक फेसबुक के मैसेज से ये पता चला, जब हमने मुद्दा उठाया कि मुझे बुलाया गया, मेरे केसेस वापस आए, मैं वापस गया, नहीं तो हमारी नॉलेज में भी नहीं आना था। तो इस और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ ये आइडेंटिटी कार्ड पर, क्योंकि जैसे इसका जो पैराग्राफ 23 है वो ऑपरेटिव पैराग्राफ है, उसमें यह है कि आरटीआई करते वक्त भी, फर्स्ट अपील में भी, उसमें भी दिखाना है ना। ये जो फर्स्ट जजमेंट है, ये ना तो पार्टी था सीआईसी इसके अंदर, ना सीआईसी को मौका मिला था इसके अंदर अपना डिफेंस करने के लिए, तो ये आरटीआई रूल के भी ऊपर जा रहा है। मेरा कहने का मतलब आरटीआई रूल बनाने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का है। ये अच्छी तरह जानकारी है कि धारा एक्ट की 227 के अंदर सिर्फ सेंटर बना सकता है। अगर आपके कुछ नॉलेज में आया तो पहले तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को रेफर करो, द मैटर हैज़ टू बी रेफर्ड वेदर इट अप्लाइज टू अस, और अप्लाई करना है तो संशोधन करना पड़ेगा आपके आरटीआई रूल में। तो आप कैसे अचानक ही शुरू कर सकते हो, बहुत सारी बता साहब। हम बहुत संक्षिप्त में जानना चाहेंगे, आप आरटीआई से बहुत नज़दीक से जुड़े हैं, आरटीआई कार्यकर्ता हैं, मंशा क्या है? केंद्रीय सूचना आयोग पिछले 2 महीनों से लोगों की अपील वापस कर रहा है, तीन महीनों से वापस कर रहा है, आखिर मंशा क्या है? मंशा ये, जबकि केंद्रीय सूचना आयोग एक संरक्षण के रूप में काम करता है, आरटीआई के प्रचार प्रसार में उसकी जिम्मेदारी होती है, कोई जनसूचना अधिकारी आरटीआई का जवाब ना दे रहा हो तो आयोग का काम है कि आवेदक को जवाब दिलवाए। लेकिन अगर सीआईसी ही फोटो पहचान पत्र या कुछ नए पेज लाता है सामने, तो इसका मैसेज क्या जाएगा? मैसेज तो यही है कि किसी तरीके से दुनिया को दिखाया जाए कि हमने जो पेंडेंसी है कम कर दिया, और उसका असर हमारे हाईकोर्ट में हुआ। हम पिछले दिनों हाईकोर्ट वापस गए कि देखिए 3 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर नहीं अपॉइंट किए, हम लोगों ने पीआईएल की थी, तो वहाँ जाके गवर्नमेंट ने जवाब आया कि अगर हमने 2 करने से आपके 5,000 कम हो गए। बताइए ये गलतफहमी हो रही है और एक गुप्त तरीके से हो रहा है जो कुछ हो रहा है विदाउट नॉलेज टू पीपल, जबकि ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता का वो गार्जियन है और आप गुप्त तरीके से कर रहे हैं। अब तो आरटीआई की अपील और कंप्लेंट भी वापस जा रही है,
आप बहुत चीज़ें हो रही हैं, धारा 10(1)(2) जो कमीशन के पास जाना चाहिए था, और ये हाई कोर्ट का आइडेंटिटी कार्ड पे एक फैसला हुआ था कमीशन में आज से 4 साल पहले, जिसमें ये मसला आया था कि हम आइडेंटिटी कार्ड नहीं चाहिए, जहाँ किसी को कोई शक के दायरे में आता है उससे आप मांग सकते हो, ये फैसला आज भी कमीशन में है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि जो सीआईसी का यह फैसला है राज्य सूचना आयोग तक इसका क्या असर पड़ेगा। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर, दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण, न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अंसारी साहब, सीआईसी को क्या चाहिए कि वो अपने पीआईओ को प्रशिक्षण दे, ट्रेनिंग दे, ताकि लोगों को आयोग तक पहुंचने की जरूरत ही ना पड़े, लोग आरटीआई डालें, 30 दिन के अंदर अगर जवाब मिल जाए बहुत ज़्यादा वो, आप प्रथम अपील पे चले जाइए, ठीक है, अपीलेट अथॉरिटी के पास चले जाइए, तो आयोग को अगर अपनी पेंडेंसी कम करनी है, अपनी अपील की जो संख्या है वो कम करनी है, तो मुझे लगता है कि बेहतर सुझाव होगा कि वो जनसूचना अधिकारियों को सही तरीके से प्रशिक्षण दें। देखिए, जहाँ तक सवाल ये पब्लिक अवेयरनेस का है, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि तमाम पब्लिक अथॉरिटीज़ को इंक्लूडिंग सीआईसी को ये आगाह तो करना चाहिए, और ख़ास करके ये जो फॉर्मेट बनाया है जिसमें 17 पैरामीटर्स हैं, जिसमें एक फ़ोटो आईडी है, तो पहली बात तो कहना ये चाहूँगा कि जो एप्लीकेशंस रजिस्टर्ड नहीं हो पा रही हैं वो सिर्फ फ़ोटो आईडी की वजह से नहीं, उसमें और भी रिक्वायरमेंट्स हैं जो मांगी जा रही हैं, लेकिन हमें सिर्फ फ़ोटो आईडी का ही एक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, और इसका मरपज़ सिर्फ ये नहीं है कि पेंडेंसी कम करना, इसका पर्पज़ ये है कि अगर वो तमाम कम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स होंगे तो केसेस को हियरिंग में और डिस्पोजल में बहुत आसानी होगी, पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगा। दूसरी बात ये कि जो आपने अवेयरनेस के ताल्लुक से जो बात आपने रेज़ की, ये सही बात है कि अगर सीआईसी अगर इस फॉर्मेट को यूज़ करता है तो अपने वेबसाइट पे उनको ले आना चाहिए कि हैंस फोर्थ इन फ्यूचर जो है हम वही रजिस्टर करेंगे जो ये फुलफ़िल करती हैं। और दूसरी बात ये भी है इसके साथ जुड़ी हुई है कि फ़ोटो आईडी वगैरह जो है ये मैंडेटरी नहीं है, इट इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, ये कभी नहीं कहा है कि अगर ये नहीं होगा तो वो रजिस्टर नहीं होगी, अगर किसी की कोई मजबूरी है तो ये कह सकता है कि फ़ोटो आईडी या तो वो हियरिंग के टाइम पे ले आएंगे या वो कहेंगे कि दे नीड टू बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम दिस, लेकिन इस तरह की चीज़ें अभी हमारे सामने नहीं आई है। लेकिन आपका जो एक प्राइमरी मुद्दा ये है कि जब भी कभी हम कोई भी डिसीजन लेते हैं वो हमें पब्लिक डोमेन में ले आना चाहिए, उसके ऊपर फीडबैक भी होना चाहिए कि हम ऐसा स्टेप लेने वाले हैं जो इससे बेनिफिशरी हैं, जो इससे कनेक्टेड लोग हैं उनको क्या इससे नुकसान या फ़ायदा होगा, ताकि हमें फीडबैक लेते हुए हम लोगों को बता सकें। जैन साहब, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि अगला कदम आप लोगों का क्या होगा, देश भर के आरटीआईकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं, सीआईसी का भले यह कहना है कि 4 महीनों में 96% की कमी आई है अपील में, लेकिन आप लोगों का क्या इसको चैलेंज करेंगे या फिर इस ऐसी एक्टिविटी के अगेंस्ट जो है कोई लीगल रेमेडी तो नहीं है, ज़्यादातर जो रेमेडी बनती है वो एजिटेशन या रिप्रेजेंटेशन की है, और वो उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आने की उम्मीद नहीं लग रही है जैसे हालात आरटीआई में चल रहे हैं। पर इसमें एक सुझाव जरूर मैं देना चाहूँगा कि जो भी ऐसी चेंज आती है उनको, जब हमारे पास आरटीआई रूल्स हैं उन रूल्स को अमेंड करना सरकार के हाथ में, रूल्स में अमेंड करें और सारी चीज़ें प्रभाव घेर दें, क्योंकि एक कहावत है कि आपने एक सवाल पूछा था अभी कि भाई इसका स्टेट कमीशन पर क्या असर पड़ेगा, एक पुरानी कहावत है कि अच्छी चीज़ सीखने में टाइम लगता है, गलत चीज़ सीख बहुत जल्दी सीखी जाती है, तो ये रिस्ट्रिक्शंस जो आ रही हैं वो स्टेट कमीशन पर भी परकुलेट डाउन करेंगी। मतलब साहब, ये तो 3 साल पुराना है सडनली लागू, और ये एक मैसेज भी दे रहा है कि जब से न्यू चीफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज उसी पीरियड में हुआ 3 महीने के अंदर, तभी से ये सारी चीज़ें लागू कर दी गई नए नए तरीकों से वापस, और ये जो फॉर्मेट की बात कर रहे हैं ये सिर्फ 10 दिन पहले बना और वेबसाइट पर डाला गया। आपको कैसे पता चला कि आपको फोटो पहचान पत्र लागू देना होगा? फेसबुक से, किसी एक ने फेसबुक पे डाला कि ऐसे ऐसे मेरी सारे केस वापस आ गए, और जब वो वापस गया तो बताया गया कि 1 जुलाई से जितने भी केस पड़े हुए हैं
वो फोटो आइडेंटिटी कार्ड की वजह से वापस किए जा रहे हैं। लेकिन साहब, जिन लोगों को वापस कर दिया गया, जिन लोगों के आवेदन वापस कर दिए, अब वो दोबारा अगर अप्लाई करते हैं तो पेंडेंसी के मामले तो काफी पीछे चले जाएंगे। अभी जो मेरे पास आंकड़ा है, लगभग 25,000 के आसपास केंद्रीय सूचना आयोग में मामले लंबित पड़े हुए हैं। 34,000 तो अब जब वो लोग डालेंगे तो काफी पीछे हो जाएंगे। नहीं, वो तो पीछे हो ही जाएंगे। और भी बड़ी कठिन समस्याएं हैं, जैसे एक फर्स्ट अपील नहीं की तो आप वापस भेज देंगे, वो चीज़ें पहले कमीशन के पास जाती थी और वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को कहता था कि इसको 15 दिन या वन महीने में। अब आप वापस भेज रहे हैं तो वो दोबारा फर्स्ट अपील भी नहीं कर सकता, उसको RTI से स्टार्ट करना पड़ेगा। 10(2) के अंदर साफ लिखा हुआ है कि मैटर हैज़ टू गो टू कमीशन, रजिस्ट्री हैज़ नो पावर टू रिटर्न इट, 10(1) and 2 ऑफ द रूल। एंड उसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप इसको छुपा क्यों रहे हो कि कितने केसेस आए, किस रूल के अंदर वापस गए और क्या, जब आपको 90 में से 80 लगे कि चलो आइडेंटिटी कार्ड छोड़ दीजिए, सिर्फ ऑन A2 पे एक पत्र साथ में कागज संलग्न नहीं था, तो जनता को बताया जा सकता है कि अगली बार पूरा ढंग से भेजो। जब आप ये अप्रैल से चल रहा है, चीज तो अभी आए, ये लिंक लगाना नहीं चाह रहे, तो इसका मतलब आप छुप छुप के कुछ काम करना चाह रहे हो, तो शक के दायरे में तो आप आ ही जाते हो। ये मैंने चीफ से परसों कहा जब हमारी मीटिंग हुई कि आपका ये जो संस्था है, जो एक बहुत ऊंची है पारदर्शिता, आज वो घेरे में आ गए जनता के, बिल्कुल सवालों के घेरे में है। मैं अपने तीनों मेहमानों से लास्ट कमेंट जाना, अंसारी साहब, आप इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि कैसे इसको सुधारा जा सकता है? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगर फोटो आईडी की एक रिक्वायरमेंट जो CIC ने रखी है, हालांकि वो मैंडेटरी तो नहीं है, लीगल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जो जेन्युइन एप्लीकेंट्स हैं उनको अपनी फ़ोटो आईडी लगानी चाहिए ताकि उनकी केसेस को आसानी से और बहुत जल्दी से निपटारा किया जा सके, उनका डिस्पोजल हो सके। और मैं नहीं समझता कि ये एक इतना बड़ा इशू है जिसको हमें इसको इतना तूल देना चाहिए, बल्कि इससे काफ़ी मदद मिलेगी कि जो प्रॉक्सी जो एप्लीकेशंस फाइल हो रही हैं वो उससे कम हो जाएंगी, और जो जेन्युइन एप्लीकेंट्स हैं उनकी आसानी से केसेस को हियरिंग होगी और डिस्पोज ऑफ होगा। जैन साहब, मैं समझता हूँ कि कम से कम एक साल का पीरियड देना चाहिए जिसमें ये कहें कि आप आइडेंटिटी फाइल करें, पर सिर्फ आइडेंटिटी ना होने पर वापस ना करें, इससे लोगों को आदत पड़ जाएगी और एक हमारे पास ट्रांजिशनल पीरियड बन जाएगा। एक और समस्या मैं देख रहा हूँ कि क्या है कि CIC रजिस्ट्री में 12 लोगों का स्टाफ था, आज की तारीख में 3 है। ये बड़ी डेंजरस पोजीशन है कि वहाँ से 9 आदमी क्यों हटा दिए गए। इस ये एक दर्शाता है कि कुछ ना कुछ चीज़, सिर्फ प्रॉक्सी वाली बात नहीं है, कुछ और भी चीज़ है कि पेंडेंसी को किसी भी ढंग से घटाना है। लोकेश बता साहब, लास्ट देखिए, तो सही कह रहे हैं जैन साहब, ये शक के दायरे में आ चुका है कि ये जान के काम किया जा रहा है और इसके बड़े सवाल हैं। और आज हमने एक सुझाव भेजा कल रात को, हमने उनकी वेबसाइट पे देखा है कि जो अब उन्होंने एक फॉर्मेट लगा दिया कि इंडिविजुअल अपना नाम डाल के या रजिस्ट्री नंबर देख सकता है क्यों वापस गया, उसका पत्र की भी कॉपी मिल जाएगी। पर अब वो इतना अच्छा डेटा था कि हमने कहा एक और डाल दीजिए, रिजेक्ट किस कारण, तो पता तो चले वापस क्यों जा रहा है। जनरल पब्लिक मस्ट नो कि व्हाट आर द कॉजेज एंड दे हैव बीन हाइडिंग दिस फैक्ट एंड रिफ्यूजिंग टू डू दिस। ये बात उस दिन फिर आई, उनके एक रजिस्ट्रार हैं जो बेसिकली कंसल्टेंट है, मिसयूजिंग हिज पावर्स बिकॉज ही इज अ कंसल्टेंट, और वो बार बार कह रहे हैं इसकी क्या जरूरत है, क्यों जनता को बताएं। मतलब ये एक तो एकदम सीक्रेसी पे चले गए जो कि पारदर्शिता की जगह थी। तो केंद्रीय सूचना आयोग आखिर पहचान पत्र, फोटो पहचान पत्र क्यों मांग रहा है? अगर हमारे इस मुद्दे पे तीनों हमारे खास मेहमान, आप लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, आप तीनों लोगों का शुक्रिया। तो आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है कमरा नंबर 226 दूरदर्शन भवन, कॉपरनिक्स मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 11001। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर है 2338-6947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो दिल्ली का स्टडी कोड 011 लगाना न भूलें। नमस्कार।